हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रिय और बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स। तो अब इस थर्मोडाइनमिक्स में अपन ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। कुछ एक चीज़ें हैं वो अभी मैं साथ में आपको करा देता हूँ, और इस पर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। इस पर हम दो क्लासेस में क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते ही ज़्यादा है। हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं। तो भाई इस टॉपिक को तो मास्टरी कर ली जाए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये अपन देखेंगे। अभी मैं पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसके बाद अपन फ्री एक्सपेंशन नहीं, पहले फ्री एक्सपेंशन पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अपन कुछ दो टॉपिक पढ़ने वाले, एक है थ्रॉटलिंग और एक है फ्री एक्सपेंशन। तो आप सब लोग जानते होंगे थ्रॉटलिंग, आपने कई बार सुना होगा, आपकी जो टेक्निकल जर्नी है इसमें आपने थ्रॉटलिंग कई बार सुना होगा, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अब मैं यहां पर आपको बता दूं थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। भाई जैसे यू बोल दो कि यार किसी का अपन गला दबा दे तो उससे उसकी आवाज कैसी निकलेगी। थ्रॉटल मतलब थ्रॉट मतलब क्या होता है, गला ही होता है जनरली, ठीक है। गला दबा दोगे तो क्या होगा, उसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, बहुत धीमी धीमी निकलेगी। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी ऐसा ही है, ये पाइप्स के अंदर फ्लो सिस्टम के अंदर होता है। यहाँ पर अगर हम एक थ्रॉटलिंग वॉल लगा दें तो उस वॉल को थोड़ा थोड़ा खुला होता है, वो हल्का हल्का खुला होता है, यानी कि हल्का हल्का पानी उसमें से इधर पार होता है। अब मैं इसमें बता दूँ, यहाँ पर जो इसकी मेन कंडीशन जो होती है थ्रॉटलिंग की, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। थ्रॉटलिंग की मेन कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है। क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। किसमें, यहाँ पर प्रेशर से यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कम होएगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप का मतलब होगा यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा। यहाँ पर अगर P1 प्रेशर है और यहाँ पर P2 है, तो वॉल के इधर का जो P1 है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2, यानी कि जो थ्रॉटल वॉल के बाद वाला जो प्रेशर होगा वो कम होगा, तभी तो ड्रॉप बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तभी तो ड्रॉप बोलेंगे, ड्रॉप मतलब कम होना, डिक्रीज होना। तो ये प्रेशर ड्रॉप होगा, लेकिन ये प्रेशर ड्रॉप एक स्पेशल टाइप का ड्रॉप होगा। स्पेशल कैसे होगा मैं बता देता हूँ। भाई प्रेशर ड्रॉप तो अपन कर भी सकते हैं, लेकिन हमने इससे पहले एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या पढ़ा था, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबारिक भी बोला था। क्या बोला था हमने, आइसोबारिक। आइसोबारिक में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम हीट का कैलकुलेशन कर रहे थे, आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। आइसोबारिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पर देखा होगा क्या होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर कांस्टेंट के साथ साथ क्या होता है, आपने देखा होगा कि DQ इज इक्वल टू आता है DH, ΔQ इज इक्वल टू आता है DH, और ये होता है MCP dT। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है वो स्पेसिफिक हीट के और टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, प्रेशर जब कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आइसोबारिक प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है, आइसोबारिक थोड़ा प्रेशर से थोड़ा सा अलग है, आइसोबारिक प्रोसेस से कैसे अलग है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, रहेगा क्या, एंथैल्पी। क्या रहेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ध्यान देना, क्या कांस्टेंट रहेगी, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि प्रेशर ड्रॉप और कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी रिमेन सेम, एंथैल्पी जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इधर जितनी एंथैल्पी थी H1 इज इक्वल टू H2 होगा, पक्की बात। क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2 होगा, ये होगा यहाँ पर सिस्टम। क्लियर है श्रीमान, गुड मॉर्निंग हेमराज जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये जो एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, आइसोएंथैल्पिक भी बोलते हैं इसको, कई जगह आइसो एंथैल्पिक लिखा होता है, कई जगह आइसोएंथैल्पिक लिखा होता है, ठीक है ना, दोनों बोलते हैं, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है थ्रॉटलिंग प्रोसेस की, कि वहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जीरो,
ठीक है, वहां पर क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था बट चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं था क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ रहा था। यहां पर क्या है, प्रेशर वेरी कर रहा है लेकिन चेंज इन एंथैल्पी क्या है, जीरो है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी जीरो कर दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं डीएच जीरो कर दूं तो एमपी एमसीपी डीटी भी जीरो हो जाएगा, पक्की बात है। और मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, सीपी जो है ये विशिष्ट ऊष्मा है, ये अगर मास है तो उसकी कोई ना कोई सीपी तो होगी, अगर कोई पदार्थ है और उसका मास है तो कोई ना कोई सीपी होगी। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा वहां पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो इसका मतलब हो गया टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन अब ये मत बोल देना कि यार ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसीलिए लगाया, वो आइसो एंथेल्पिक और आइसेंथेल्पिक ही होता है, आइसोथर्मल बोलने की गलती मत करना, भले ही उसमें टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होता है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, बराबर होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, डी यू यहाँ पर ये भी जीरो होता है, डी एच और डी यू जीरो होता है, और क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है ना, बोल सकते जैसे टी वन इज इक्वल टू टी टू वैसे यू वन इज इक्वल टू यू टू। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, यहाँ तक क्लियर है हेमराज जी, क्लियर है बिल्कुल, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में क्लियर हो गया। ये एग्जॉस्ट भी चला देना सर, देखो अब इसके बाद अपन आते हैं, इसके बाद अपन लेते हैं फ्री एक्सपांशन, कि फ्री एक्सपांशन क्या होता है। देखो फ्री अगर होगा, फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब ही ये है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना, फ्री का मतलब क्या है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यहां पर मैं लिखता हूं फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन, फ्री का मतलब होगा कि कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं, फ्री अगर आप फ्री हो इसका मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, यही होता है। आप बोलते हो कि यार मैं बिल्कुल फ्री हूं, फ्री हूं मतलब मुझे ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे रोक सके, आज मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं मर्जी पड़ेगी जो करूंगा। ठीक है ना, तो फ्री मतलब रोकने वाला कोई नहीं है, तो फ्री एक्सपांशन भी ऐसा ही होता है। एक अगर मैं इंसुलेटेड बॉक्स में रख दूं, ये इंसुलेटेड बॉक्स, ठीक है, मैंने यहां पर लगा दिया एक पर्दा, क्या लगा दिया, पर्दा, दिस इज चैम्बर वन, दिस इज चैम्बर टू। ठीक है, और इसको इंसुलेट करने के लिए मैंने यहां पर इंसुलेशन भी लगा दिया, यानी ऊपर ऐसी कोटिंग कर दी जो हीट के एक्सचेंज को बिल्कुल रोकती है, यहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इंसुलेटेड है ये, बिल्कुल इंसुलेटेड। ठीक है, ऐसे बना दें, कर दिया ऐसा। ठीक है श्रीमान, अब मैं अगर बात करूं आपसे कि यहां पर मैंने एक बक्से में भरी हुई है गैस, ये एक बक्से में भरी हुई है गैस, कोई भी टाइप की गैस भरी हुई है, हम आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, अभी थर्मोडाइनमिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं ना ज़्यादातर वो सब आइडियल गैसेस के लिए ही पढ़ रहे हैं, ये सारे लॉज एप्लीकेबल सबके सबसे ज़्यादा किसके लिए होते हैं, आइडियल गैसेस के लिए होते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर भरी हुई है गैस, क्या है ये गैस, इसे बोलेंगे आप गैस, गैस भरी हुई है। ठीक है, अब ये गैस जो है, मैं इस दीवार को अगर हटा दूं, कौन सी दीवार को, ये वाली दीवार को, इस दीवार को अगर मैं हटा दूं मतलब इसको निकाल दिया मैंने, तो इसको अगर मैं निकाल दूं तो क्या होगा भाई, बताओ जरा, इसको अगर मैंने निकाल दिया तो क्या होगा, ये गैस इधर रिसाव करेगी, और इधर रखा था, अच्छा इधर मैं लिखना भूल गया, इधर था वैक्यूम,
यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो जब मीडियम नहीं है तो पार्टिकल नहीं है। वैक्यूम का मतलब होगा नो पार्टिकल, वैक्यूम का मतलब होगा नो पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है और नो मीडियम, तो कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो इसको रजिस्ट कौन करेगा, इसको रोकेगा कौन? भाई अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप बोलते हो ना अपने दोस्त को, यार आज तो मम्मी पापा घर पे नहीं है, आज तो अपन फुल पार्टी करेंगे, बिल्कुल फ्री हूँ आज मैं, ठीक है? नहीं, रोकने वाला कोई नहीं है, घर बिल्कुल खाली है। वैसे वैक्यूम का मतलब है कि कोई दूसरा मीडियम है ही नहीं जिसके पार्टिकल इसको रोक सके। तो ये गैस क्या करेगी, ये गैस वैक्यूम में आएगी और फ्री आएगी, बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब क्या है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा किसी प्रकार का। जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो विस्थापन कितना ही हो, यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से आगे चला जाए, जब तक अगर कोई फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं तो ये विस्थापित होती रहे, इस पर वर्क डन क्या हो जाएगा, शून्य। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, शून्य। वर्क डन क्या मानूंगा मैं, शून्य। मतलब मेहनत क्या मानूंगा, शून्य। अरे भाई जिसके घर में कोई नहीं रहता वो तो पार्टी करता ही है, लेकिन जिसके सारे घर वाले घर पे हो और उसको बोलो कि आज तो पार्टी करने आना है भाई तुझे हमारे घर पे, ठीक है? तो वो अपने मम्मी पापा को मनाएगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत वर्क करेगा, ठीक है ना? यानी कि जब कोई होगा तभी तो वर्क होगा, जब उसको कोई रजिस्टिंग फोर्स मिलेगा तभी तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी में आने के लिए। यहाँ तो फ्री है, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, यानी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है? वर्क डन जीरो होगा। हेमराज जी बोल रहे हैं कि मजे करेंगे, बिल्कुल मजे तो करने ही है, जीवन में आए मजे करने, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, ठीक है ना? क्यों होगा, क्योंकि देर विल बी नो रेजिस्टेंस। यानी कोई विरोध नहीं होगा, नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। इन अ वैक्यूम चैम्बर ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये हो गया फ्री एक्सपांशन। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, हम आए आज अपन ज़्यादातर क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज लॉ ऑफ, किसका लॉ है ये? पहला जो थर्मोडाइनमिक्स का नियम है ये आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। पहला जो नियम है थर्मोडाइनमिक्स का वो कैसा लॉ है बताइएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ हीट? सर इसका हिंदी, ये लिखा हुआ है भैया, हिंदी लिखा हुआ है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम निम्न नियम है, लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में भी लिखा है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी में संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा संरक्षण सॉरी, ठीक है? आंसर क्या होगा, सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब है आपका, आंसर सी ही होगा। क्योंकि हमने जब पढ़ा था शुरुआत में, मैंने बोला था कि एनर्जी यहां पर क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, यहां पर एनर्जी कंजर्वड होती है। कैसे, जितनी हीट आप दे रहे हो वो हीट किस में जाएगी, वो हीट यहां पर समेशन ऑफ वर्क डन, अपन ने यही लिखा था सबसे पहले, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है ना? यही था, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। और इसके बाद आया हमारे पास डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, जो था वो क्या आया, समेशन की बात नहीं कर रहा था फिर मैं, तब आया था वो इंटरनल एनर्जी, ठीक है? इंटरनल एनर्जी आया था और इसी को फर्दर एक्सपांड करके अपन ने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू डी यू, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। यही तीन रूप थे, पर ये चले कहाँ से थे, एनर्जी कंजर्वेशन से। कहाँ से चले थे श्रीमान, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो ध्यान रहिएगा, जो फर्स्ट लॉ है जो जूल साहब ने दिया वो एनर्जी कंजर्वेशन का ही लॉ है, ध्यान रहेगा। सर इससे पहले का हिंदी लिखना है, कौन सा वाला, ये इसका हिंदी लिखना है, सारे सीरीज।
इसका लिख देता हूं मैं, निर्वात चैम्बर में गैस को किसी प्रकार का विरोधी बल प्रदान नहीं किया गया, ठीक है ना, यही है। इसको थोड़ा इधर ले आए क्या, ठीक है, लिख दिया साहब, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा आपको नोट करना है क्या, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वर्क, व्यंजक पीडीवी इसमें से किस प्रक्रिया के कार्य प्राप्त करने हेतु उपयोग में होता है, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, अप्रवाही प्रतिवर्ती प्रक्रिया, स्टडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, स्थिर प्रवाह प्रतिवर्ती प्रक्रिया, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, समोष्ण प्रतिवर्ती प्रक्रिया और थ्रॉटलिंग प्रोसेस, उपरोधी प्रक्रिया, ठीक है, बताइएगा। अच्छा इनका भी अगर मैं बता दूं तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस को ये लिखा है उपरोधी प्रक्रिया, है ना, और लिख सकते हो यार आप लोग, भाई आपको तकलीफ है तो इसको लिख दे उपरोधी, मेरे को ऐसे थ्रॉटलिंग का नहीं ध्यान था हिंदी, उपरोधी प्रक्रिया, ठीक है। फ्री एक्सपांशन का तो आप जानते हैं, मुक्त विस्तार बोलते हैं इसको, मुक्त विस्तार, ठीक है, क्या होगा नॉन फ्लो, बिल्कुल सही जवाब है। देखो हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने जो अभी तक वर्क डन पढ़ा है, वो वर्क डन क्या पढ़ा है, नॉन फ्लो रिवर्सिबल सिस्टम के लिए पढ़ा है, प्रेशर इनटू प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में क्या पढ़ा है हमने, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व, जैसे मान लो यहां से यहां गए इस प्रोसेस के थ्रू, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या होगा आपका, वर्क डन, क्या होगा वो, वर्क डन होगा, इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या होगा, वर्क डन। और ये एरिया हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये प्रेशर एक्सिस का वॉल्यूम एक्सिस पर है, तो प्रेशर एक्सिस का वॉल्यूम एक्सिस पर है तो इंटीग्रेशन ही करेंगे हम, एरिया निकालने का यही है। तो ये निकलता है किसके लिए, रिवर्सिबल, अभी तक जो हम ध्यान कर रहे हैं वो है रिवर्सिबल नॉन फ्लो सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, नॉन फ्लो सिस्टम। स्टडी फ्लो सिस्टम आएगा फ्लूड मैकेनिक्स में, जो कि अभी अपन नहीं पढ़ना चाह रहे, इससे रिलेटेड ही है पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन हम फ्लूड मैकेनिक्स में ही उसको पढ़ेंगे स्टडी फ्लो सिस्टम को। तो यहां पर तो सिर्फ हम नॉन फ्लो सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, उसी के लिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर अ प्रोसेस इज, बताओ साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल की बात कर रहा है वो, इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस तो लिखा है, देखो यहां पर आपको कंफ्यूज कर रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल लिखा है और प्रोसेस लिखा है, देखो प्रोसेस के लिए कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन साइकिल के लिए जीरो हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका आंसर करो पहले, ठीक है, इसका आंसर कैसे मैं बताता हूं। जैसे ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, ये वन है मान लो स्टेट, और ये टू है स्टेट, यहां से मैं आया इस प्रोसेस से, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए, और इस प्रोसेस से मैं वापस गया, ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज बी, ठीक है ना, मतलब वन, वन से मैं ए के थ्रू टू पर आया और टू से वापस बी के थ्रू मैं वन पर गया, ये कंप्लीट साइकिल हो गया मेरा, साइकिल क्या हो जाएगा, साइकिल, साइकिल हो जाएगा मेरा वन ए टू और बी वन, यही होगा साइकिल।
इस साइकिल में अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर साइकिल में मैं अगर देखूं, तो ये जो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, ये क्या होगा? मेरी बात सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डी यू। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी क्या है? एक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, ध्यान देना, ये क्या है? थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। तभी तो डी से लिख रहे इसको। मैंने आपको कल बताया था क्यों है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, क्यों है ये भी मैंने कल आपको बता दिया। ये एक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। और मैं आपको ये बात बता दूं बहुत अच्छे से कि कोई भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर साइकिल में जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका स्टार्ट कहाँ से किया था? वन से। यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वन। दो पर गया, वापस का आया वन पर। यानी कि स्टार्ट और एंड दोनों यही है, स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट वन ही है। यानी कि स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों सेम ही हैं। अगर किसी साइकिल में जहां से स्टार्ट हुआ था वो और जहां पर एंड हुआ है वो, दोनों अगर सेम ही हैं, तो क्या उस पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो डी टी यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई? बदलाव कितना हुआ? जीरो। जीरो बदलाव हो गया तो डी यू क्या होता है? एम सी वी डी टी। अगर डी टी जीरो है श्रीमान, तो डी यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये पूरा जो होगा एक साइकिल के लिए प्रोसेस जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये इंटरनल एनर्जी जो है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है। और चेंज इन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी इन अ साइकिल, मैंने आपको बताया था किसी साइकिल में, साइकिल डी यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। और डी यू जीरो होते ही आप लिख सकते हो डी क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ध्यान देना, मैंने पूरी बात आपको बता दी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। राहुल सरोज जी, गुड मॉर्निंग राहुल, समझ में आ रही बात? जीरो क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल की बात कर रहा है, एक साइकिल की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, कि ऐसे प्रोसेस का एक साइकिल है, साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से श्रीमान ने दिया? यानी एक आदर्श गैस आंतरिक, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल अपने परम ताप का ही फलन है, ऐसी बात किसने बोली इनमें से? अवोगाड्रो ने बोला, मैक्सवेल ने बोला, जूल ने बोला, या फिर रैग्नो नाम का एक साइंटिस्ट है उसने बोला? बताओ। ये चीज अपन ने पढ़ी है, अब ये पढ़ी है वहीं से रिलेटेड है। फटाफट चैट में आंसर चाहिए भाई। नहीं, ये एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए है, एसएससी जेई आरआरबी जेई और स्टेट के जितने भी जेई होते हैं, एनपीसीआईएल टेक्निकल असिस्टेंट, डीआरडीओ टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, सुरभि राजौरिया बोल रही है ए आंसर होगा। देखो मैं आपको वापस से करा देता हूं। यहां पर हमने क्या बोला था कि जो पहला, जो फर्स्ट लॉ है, यहां पर मैं आपको वापस से बताता हूं, जीरोथ लॉ जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, आपको ध्यान नहीं रहा होगा, थर्मोडाइनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये किसने स्टार्ट, किसने बोला था? ये फाउलर ने। फाउलर ने क्या किया? फाउलर ने किया ऐसा, फिर जेके ने। तो फर्स्ट लॉ जो है भाई जीरो वाला, तो फाउलर, और फर्स्ट लॉ किसका हो जाएगा फिर? जेके का। जेके मतलब जूल्स। और सेकंड लॉ किसका हो जाएगा? के। हम ऐसे ध्यान रख रहे थे, फाउलर जेके, ठीक है ना। सेकंड क्या है? के, यानी कि केल्विन और क्लॉसियस, केल्विन एंड क्लॉसियस है ये आएगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं सेकंड लॉ, लेकिन अपन लिख रहे हैं। और थर्ड लॉ जो होगा वो किसने होगा? जेके ने। जेके ने मतलब नर्नस्ट ने, ठीक है ना। साइंटिस्टों के नाम भी अलग अलग होते भाई, नर्नस्ट। तो ये आपके पास चार के चार थर्मोडाइनमिक्स के लॉ हैं, और चारों के ही साइंटिस्ट आपको पता है, ठीक है। ये करना है। अब ये बात बतानी है कि यार ये जो इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैस का सिस्टम चल रहा है, यार मैंने आपको यही बताया डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू।
डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, ये फॉर्मूला आया कहां से? सबसे पहले आपको इंटरनल एनर्जी का पता कहां से चला? आपको सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का पता चला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से। कहां से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से। ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से आपको पता चला है किसका? इंटरनल एनर्जी का। और इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को किसने दिया है? जूल ने। और जूल ने ये बोला था कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये बात बोली थी। तो आपको यहां पर ध्यान रहेगा जूल्स, आंसर क्या होगा? सी। सभी टेक्निकल एग्जाम हो जाएगा भैया, इतना कंटेंट काफी है, चाहे एसएससी जेई हो, यूपीआरवीएनएल हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, छत्तीसगढ़ जेई हो, कोई सा भी जेई हो, ठीक है ना, डीआरडीओ हो, एनपीसीआईएल हो, सब टाइप के जेई के एग्जाम इससे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइडेंटिकल एट। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर आइडेंटिकल एट। अब एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, आपको लगेगा दिस क्वेश्चन इज समहाउ आउट ऑफ ट्रैक, लेकिन ये एकदम आउट ऑफ ट्रैक नहीं है। थोड़ा सा इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जो आपके अंदर दिमाग है उसका। समतापीय और समोष्ण प्रक्रियाएं इनमें से किस पर समान होती है? बताइएगा जरा। क्या लग रहा है हेमराज जी? What can be the answer? राहुल बोल रहे कि सर मैं जा रहा हूँ रीजनिंग का क्लास कर रहे हैं आपका रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर। बिल्कुल करिए करिए। सी बोल रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल सही जवाब है इसका। आंसर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही है। देखो क्यों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है जीरो डिग्री केल्विन, ठीक है ना, जीरो डिग्री केल्विन, जीरो डिग्री केल्विन। और अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर कोई पार्टिकल मूव नहीं करता, रेस्ट में होते, चाहे गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, हर किसी के पार्टिकल, जनरली सॉलिड लिक्विड के तो जल्दी आ जाएंगे, गैस के ही हैं जो उदम्मी हैं, घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, तो वो इस तापमान पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे। जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी। यार हीट ट्रांसफर कैसे करेंगे? कैसे कन्वेक्शन करेंगे? कैसे वो हीट का कंडक्शन और कन्वेक्शन करेंगे? हीट का कंडक्शन जब होता है ना, जब वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाकर अपनी हीट ट्रांसफर करता है। जब ये मूव ही नहीं करे, अपनी स्टेट पर ही है, तो फिर ये हीट का कन्वेक्शन और कंडक्शन कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी हीट ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट हो ही गया, टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो कॉन्स्टेंट हो ही गया, लेकिन क्या हीट ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर दोनों प्रक्रम एक जैसे ही हो जाते हैं। आइसोथर्मल भी होगा तो साथ के साथ वो एडियाबेटिक भी हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर भी वहां पर जीरो हो जाएंगे। रेस्ट में हो जाएंगे तो नो कंडक्शन, यानी कि कोई चालन नहीं और संवहन नहीं, नो कंडक्शन नो कन्वेक्शन, ठीक है ना, यानी कि कोई चालन नहीं। देखो चालन बोलते हैं कंडक्शन को, और कोई संवहन नहीं। ये आपका जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है हेमराज जी, वो इंग्लिश में था या हिंदी में ही था? हिंदी मीडियम भी होता है क्या पॉलिटेक्निक में? बीटेक में तो नहीं होता। कोई चालन नहीं, कोई संवहन नहीं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे इसको? हीट ट्रांसफर शून्य, नो हीट ट्रांसफर, तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, और इसको बोलेंगे अपन एडियाबेटिक। तो यानी कि अपन क्या लेकर चले थे? क्या लेकर चले थे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि क्या है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है,
कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, आइसोथर्मल। ठीक है ना, यानी आइसोथर्मल से चले थे, एडियाबेटिक पर पहुंच चुके थे। ठीक है, हिंदी में था, ओके, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट। तो हिंदी में तो यार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग आपको एसएससी जेई के लिए तैयारी करवाते होंगे। क्यों, हिंदी में आपको यूट्यूब पर रिसोर्सेज मिलते हैं, और हिंदी में कहीं आपको यूट्यूब पर और रिसोर्सेज मिलते हैं एसएससी जेई के लेवल के? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस कंटेन्ड इन क्लोज्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज एक्सपांडेड वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपांशन। यानी कि अगर मैं यहां पर ये सिलेंडर की बात करूं, ये पिस्टन सिलेंडर है, इसमें एक्सपांशन हुआ गैस का, एक्सपांशन हुआ गैस का, तो ये पिस्टन किसका और वर्क डन हुआ, क्या हुआ, वर्क डन। अब यहाँ पर वर्क डन किसने किया, पिस्टन ने किया, किस पर, सिस्टम पर, तो क्या मैं वर्क को पॉजिटिव ले लूँगा, कितना लिया इसने, डेल्टा वर्क कितना हुआ, 50 जूल प्लस 50 जूल, किलो जूल। ठीक है, डिक्रीज इज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन इज 30 किलो जूल। यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, कितना, 30 किलो जूल। हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू, अब यहां पर आपको क्या करना है, टाइम हाई लगता है, मतलब कैसे लगता है टाइम हाई, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, हमने देखा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या था, डी यू यानी इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्लू, यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हमें तो डेल्टा क्यू निकालना है, डी यू पता है क्या, माइनस 30, अच्छा डेल्टा डब्लू पता है क्या, 50, तो क्या हो जाएगा ये 20 किलो जूल, क्या हो जाएगा, यानी आपका जो हीट ट्रांसफर होगा डेल्टा क्यू वो कितना हो जाएगा, 20 किलो जूल हो जाएगा पॉजिटिवली। तो 20 किलो जूल कहाँ पर आंसर होगा आपका, बी। ठीक है, यानी बंद प्रणाली में निहित पिस्टन सिलेंडर की व्यवस्था में मिलकर, ये जो हिंदी में लिखा है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है समझने में, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। कोई बात नहीं, यहां तो सब समझ में आ रहा है ना इमराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, ये हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो आपको बताता है, क्या बताता है, अब आपको पहले तो आंसर करना है यार भाई, मैं सब कुछ बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आप क्या करो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो आपको बताता है इसके बारे में, अभी हमने डिटेल में पढ़ा है, बी आंसर आ रहा है, टेम्परेचर, बिल्कुल अभी हमने डिटेल में पढ़ा है, क्या बताया था, डी क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, इंटरनल एनर्जी, और ये इंटरनल एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस तरीके से याद रखें आप,
आप पूरा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको सिर्फ ये इक्वेशन याद ना कर लें, क्योंकि कई सारे लोग यही करते हैं भाई, जो नोट से पढ़ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुने, जो नोट से पढ़ रहा है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, वो अपने आप को बहुत माहिर समझता है, उसको लगता है कि मैंने सारे लॉ पढ़ लिए हैं, लेकिन बस वो क्या पढ़ता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक स्टेटमेंट पढ़ लेता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसको ये नहीं पता कि डी यू में डी क्यों लग रहा है, यहाँ पर डेल्टा क्यों लग रहा है भाई, यहाँ पर अलग अलग साइन क्यों है, जब दोनों तो है चेंज भाई, दोनों तो है, इसका मतलब तो चेंज ही है ना, यहाँ पर चेंज इन वर्क, चेंज इन हीट, और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन फिर हर अलग चेंज के लिए अलग टाइप का नोटेशन क्यों, ये तो सिर्फ वही जानता है जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, ठीक है। और फिर ये जो फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कहीं टेम्परेचर का एब्सोल्यूट फंक्शन भी बताया था, ये तो वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर वो पीछे रह जाता है, अपने को बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंक्शन होता है क्या, इंटरनल एनर्जी, यानी आंतरिक ऊर्जा जो है वो तापमान का फलन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी जेई का 2015 का क्वेश्चन है। अब दूसरा और क्वेश्चन देख लो, एन एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि ऊष्मा गतिकी का जो रुद्धोष्म प्रक्रम है वो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज, यानी कि एक ऊष्मा गतिकी तंत्र के रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ये इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। लिमिटेड हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लिमिटेड, एक निश्चित सीमा में हीट का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, इस निश्चित अमाउंट में, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो भाई, नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, यानी कि बोल रहे हैं कि सीमा के परिसीमा या बाउंड्री के आसपास, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ये बोल रहे हैं दूसरा, ठीक है। सी बोल रहे हैं नो इंटरनल एनर्जी चेंज, कोई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं, नो एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, और किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का स्थानांतरण वहां पर नहीं होगा। बताओ अब इसमें क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, एडियाबेटिक प्रोसेस वही होता है जिसमें देखो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, दूसरे टाइप की एनर्जीज का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जीज का चेंज हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी, उसका यहां पर कोई ट्रांसफर इधर उधर नहीं होता है, ये आपका बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और इसी को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसका पहला ही नियम ये होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूँ तो, कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज क्या होगा, हीट एक्सचेंज सिर्फ वो जीरो होगा, अंतर हीट में जीरो होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन भी इसमें से आती है, पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट, ठीक है, हालांकि इसका तो इस क्वेश्चन से अभी फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान रहता है तो बार बार लिखते हैं तो रिवाइज हो जाती है, ठीक है। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मैंने आपको बातों बातों में कई बार ऐसा बोला है कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस और जो भी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, प्योर गैस के लिए पढ़ रहे हैं, परफेक्ट गैस के लिए पढ़ रहे हैं, पानी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कोई इनमें से जो प्रोसेस अपन ने पढ़ा वो पानी का एक्सपांशन पढ़ा ही नहीं, हमने गैस की बात करी है, ठीक है ना, और उसमें भी आइडियल और परफेक्ट गैस की बात करी है, ठीक है। तो यहां पर परफेक्ट गैस इज द करेक्ट आंसर, ये भी यूपी ट्रिपल एससी 2015 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ रहे हैं, जिस लेवल से हम पढ़ रहे हैं उस लेवल से सारे क्वेश्चंस अपने से सॉल्व हो जाएंगे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, यानी एक समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का क्या हाल होता है, ऑलवेज डिक्रीज क्या ये हमेशा घटती है, ऑलवेज इंक्रीजेज क्या ये हमेशा बढ़ती है, और इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ती है अथवा घटती रहती है, या तो बढ़ेगी या घटेगी,
ठीक है, और रिमेन कांस्टेंट यानी अपरिवर्तित रहती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। क्या होगा आपका आंसर बताओ, आपका आंसर क्या होगा? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए, इसका मतलब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी 2015 का पेपर आपने दिया होता और ऐसे प्रवीण सर से आपने पढ़ा होता, तो फिर तो आपका काम हो गया होता, ठीक है ना, तभी आप नौकरी लग चुके होते। लेकिन आपने नहीं पढ़ा, अब जाके पढ़ रहे हो, अब लग जाएगी, है कि नहीं? आंसर क्या होगा इसका बताओ? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल भैया, चीजों को समझने की कोशिश करो। हमने आपको 10 बार बता दिया होगा आइसोथर्मल। अगर आपने शुरू से एंड तक अगर ये क्लास देखी है थर्मोडाइनेमिक्स की, तो आप आइसोथर्मल का मतलब बिना आंखें खोले बता सकते हैं। वैसे भी सुनना ही तो है, किसी ने बोला आइसोथर्मल, हमें पता है, देखने की क्या जरूरत है, हमें पता है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। क्या होता है भैया? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको ये भी पता है कि न्यूटन का जो, सॉरी न्यूटन कहाँ से आ गया बीच में, जूल का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, जूल महाराज का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यानी पहला नियम है ऊष्मा गतिकी का, वो ये बोलता है कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन होती है, तापमान का फंक्शन होती है, यानी इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो क्या इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट नहीं होगी, नियत नहीं होगी? बताओ, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? क्या वो अनचेंज्ड रहेगी, रिमेन कॉन्स्टेंट यानी अपरिवर्तित रहेगी? क्या ये बात सही नहीं है भाई? क्या ये बात सही नहीं? अब तुमने कभी बी लिख दिया, कभी ए लिख दिया, कभी क्या यार? आइसोथर्मल का मतलब होगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, हजार बार बता चुका हूं मैं। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब क्या? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक का मतलब हीट कॉन्स्टेंट यानी हीट चेंज जीरो, ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर है भैया? चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये वाला चीज भी आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके बीच में हाजिर करता हूँ, ये 2016 का है, यूपी ट्रिपल एससी 2016 का है। अंडर सर्टेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, तो प्रोसेस कौन सा होगा? ये आपने, ये इस क्वेश्चन का आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपने प्रवीण सर से पढ़ा है, ठीक है, और शुरुआत से एंड तक पढ़ा है। ऐसे नहीं कि आज की क्लास में आप आए और आज की क्लास में आंसर कर दोगे, नहीं, ये बिल्कुल बेसिक से उठाया था अपन ने थर्मोडाइनमिक्स को, और आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे ये मैं बता दूंगा अभी, ठीक है? पहले आंसर करके बताओ क्या होगा एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल। बताओ भाई आंसर बताओ। हाँ भाई, पूरा सिलेबस ही कराएंगे, अधूरा क्यों छोड़ेंगे? आंसर करो यार, सब लोग आंसर करो। नहीं आ रहा आंसर? चलो देखते हैं। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी की पावर एन कॉन्स्टेंट, यही होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यही लिखा था, ठीक है? वो बोल रहा है कि एन की वैल्यू अगर मैं वन रख दूं, रख दो साहब, पी वी की पावर वन कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी पी वी कॉन्स्टेंट हो गया। ये किसमें था बताओ? पी वी कॉन्स्टेंट किसमें होता था, कौन से प्रोसेस में होता था?
पीवी कांस्टेंट जब होता था, जब अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पर, चलो आइडियल गैस इक्वेशन इसका पोस्टमार्टम कर दो भाई, आइडियल गैस इक्वेशन पे चलोगे तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हम जानते थे कि साहब एन और आर दोनों कांस्टेंट हैं, आर गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट और एन है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हो गए कांस्टेंट। अब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो बचा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से ये कांस्टेंट नहीं हो पा रहा, तो यानी इसको पूरे को कांस्टेंट बनाना है तो मुझे टेम्परेचर को भी क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं बोलूँगा कि इसमें एन और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो अब करिश्मा क्या हुआ कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, और इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि पी वी कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है श्रीमान, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आप भली बात ही जानते होंगे, और नहीं जानते तो अच्छी बात नहीं है ये आपके लिए। क्या आंसर होगा बताओ फटाफट हेमराज जी। अब क्या आंसर होने वाला है, समझ में आ गया भैया? चलो बहुत बढ़िया। अब होने वाला है आइसोथर्मल, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर आंसर होगा डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लगता बहुत डिफिकल्ट है यार। ए यार आइसोकोरिक कब होगा भाई, तापमान समान है तो समताप भी होगा ना। हिंदी में भी अच्छे से ध्यान दो, तापमान समान है तो समताप ही होगा, ठीक है। फिर भी लिख रहे हो कोई बात नहीं, चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज द, एंथैल्पी कब कैलकुलेट की जाती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। एंथैल्पी पढ़ी थी अपन ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, हीट कैलकुलेशन में अपन ने एंथैल्पी पढ़ी थी, ठीक है। और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आया था, कांस्टेंट प्रेशर से डी एच, मैंने आपको पहले भी बताया, एम सी पी डी टी, क्या आया था, एम सी पी डी टी, यही आया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि H क्या होता है, H होता है U प्लस पी वी, ठीक है ना, U प्लस पी वी यही होता है। चलो अब इसके आधार पर आप आंसर करो, ठीक है ना, इसके आधार पर आप आंसर करो, ठीक है। ये सब काम पॉसिबल था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, टाइप गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्या होगा, क्या सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम, क्या आंतरिक ऊर्जा और क्या आंतरिक ऊर्जा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी कि क्या प्रेशर और डेंसिटी यानी कि घनत्व का है, नहीं, ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा और किसका गुणन, दाब और वॉल्यूम यानी कि आयतन का गुणन है, ठीक है। तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम, यहां पर है प्रेशर इन वॉल्यूम, ये तो गलत हो गया, किसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से। डिफरेंस तो होगा ही नहीं, डिफरेंस की वजह से पहले ही गलत, सम है बिल्कुल, प्लस लग रहा है ना सम है, डिफरेंस यहां भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कीवर्ड्स को पकड़ें और समझें, ठीक है ना, सम होगा, योग होगा, क्या नहीं होगा, डिफरेंस यानी कि उसका अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम हैपेंस विद द हीट इज सप्लाइड एट, यानी कि जो एंथैल्पी है उस पर, उसमें परिवर्तन कब होगा, जब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि डी ये जो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी एच होता है, और ये होता है एम सी पी डी टी। एम सी पी डी टी का मतलब होगा कि मास द्रव्यमान है यहाँ पर, और ये सी पी है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये खुद बोल रही है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ही क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज होता है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा ये, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी में चेंज होता है। और एंथैल्पी क्या होती है ये भी ध्यान लिख लो, आपस से इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा
प्लस द्रव्यमान गुणा आयतन, सॉरी ये दाब गुणा आयतन। मेरे को हिंदी में भी थोड़ी तकलीफ हो जाती है कभी कभी टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। एडियाबेटिक में नहीं भाई, एडियाबेटिक में नहीं, एडियाबेटिक में नहीं, कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आइसोबारिक। क्या होता है ये, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, ठीक है श्रीमान। तो कांस्टेंट प्रेशर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इन एनी क्लोज सिस्टम द एक्सपेंशन ऑफ गैस गिव मैक्सिमम वर्क ओनली व्हेन प्रोसेस गोज अंडर कांस्टेंट। क्या मैक्सिमम वर्क, देखो यहाँ पर कोई क्लोज सिस्टम है, एक्सपेंशन भी बिल्कुल इक्वल है, मैंने आपको यूँ बताया एक्सपेंशन भी बिल्कुल इक्वल है। ये डायग्राम बनाया था अपन ने, मुझे पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए बताओ ये हो जाएगा एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरे प्रोसेस की बात करूँ, अगर मैं सेम वॉल्यूम के लिए, यहाँ पर सेम वॉल्यूम के लिए मैं अगर बात करूँ, गलत डायग्राम बना दिया मैंने, डायग्राम उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं, ये है पी डायग्राम, ये है वी। अगर हम यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, ये वॉल्यूम वन है और ये वॉल्यूम टू है, ये दो ही कंडीशन है, ठीक है। ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर वाला, ठीक है, ये हो जाएगा उसका दूसरे वॉल्यूम पर आप चलोगे आइसोथर्मल वाला, ये हो जाएगा उसका पॉलीट्रॉपिक एन बराबर के वाला, ये हो जाएगा उसका एडियाबेटिक एन बराबर गामा वाला, ठीक है। और वॉल्यूम जो है, एक्सपांशन जो है सेम है, एक से दो तक ही गया है, वॉल्यूम में जो एक्सपांशन होगा वो सेम है, तो सेम एक्सपांशन के लिए मैक्सिमम वर्क डन कहाँ होगा, ठीक है बताओ, मैक्सिमम वर्क डन कहाँ होगा। इन एनी क्लोज सिस्टम द एक्सपांशन ऑफ द गैस इज मैक्सिमम वर्क ओनली, मैक्सिमम वर्क कहाँ देगा ये, देखो जहाँ पर एरिया अंडर द पीवी कर्व ज़्यादा होगा, तो किसके लिए होगा एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये ऊपर ही ऊपर वाले के लिए, इनके लिए तो कम होता जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये P कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर वाले में होगा, किसमें होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाले में होगा, किशन गोड़ बोल रहा है कि जुगल सर लोको पायलट है क्या भाई, है तो सही, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वाली बात आएगी इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा हमारा यहां पर, ये है आपका फ्री एक्सपांशन, ये बोल रहा है कि पहले 1 मीटर क्यूब था एयर में और 10 kg/cm³ की उसकी डेंसिटी थी, इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रीली। यहां पर लिखा है कि मुक्त प्रसरण के लिए, मुक्त प्रसार के लिए उसको परमिशन दे दी। अब उसका जो वॉल्यूम है वो 10 m³ हो गया, 10 m³ हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन विल बी, वर्क डन कार्य पूछा है यहां पर, क्या बात है भैया, फ्री एक्सपांशन, क्या ये फ्री एक्सपांशन है, क्या बोलते हैं इसको, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन को क्या बोलते हैं, मुक्त विस्तार, अगर आपके हिंदी में बात करूं तो मैं, मुक्त विस्तार। और ये जो मुक्त विस्तार होता है श्रीमान, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नजर नहीं आता, कोई बल नहीं लगता, बल क्या होता है जीरो, विरोधी बल क्या होता है जीरो, यहां पर लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, रेजिस्टेंस शून्य, रेजिस्टेंस शून्य होगा, रेजिस्टेंस शून्य होने की वजह से क्या होगा यहां पर, कार्य जो होगा वर्क डन, क्योंकि कार्य क्या होता है भैया, बल गुणा विस्थापन, जब बल ही शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, क्या होगा जीरो। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा आंसर जीरो, ये भी यूपी ट्रिपल एससी जेई का 2015 का क्वेश्चन, क्लियर है। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन, ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, 2016 का क्वेश्चन है ये, राजस्थान जेई का। अब यार थ्रॉटलिंग में मैंने बताया था कि प्रेशर ड्रॉप होगा, एक तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, और दूसरा क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट, ध्यान रखना ये वाली बात, ध्यान रखना, प्रेशर ड्रॉप, एंथैल्पी कांस्टेंट, ठीक है ना, प्रेशर डू नॉट चेंज, अच्छा ये तो गलत बात है भाई,
प्रेशर तो चेंज होता है, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है, एंथैल्पी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती। इंटरनल एनर्जी की बात करें क्या डज नॉट चेंज, बिल्कुल इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, मैं बता दूं आपको वास्तव में इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन यार हमें वो चीज़ जो वो आंसर सबसे बेस्ट जो आंसर होता है, जो सबसे सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा मजबूत आंसर होता है, वही टिक करना होता है, ठीक है ना। एंट्रोपी के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो भी चेंज नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पर राइट आंसर नहीं कर सकते। और आप में से कुछ महान ज्ञाता होंगे जिनके दिमाग में आ जाएगा कि क्वेश्चन गलत है, बोनस मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी हमने पढ़ा था जीरो, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो भी जीरो होता है। अरे भैया तुमने पढ़ा था, लेकिन वो समस्या की जो गहराई है उसको देखते हुए आंसर करना होता है। सबसे ज़्यादा सही आंसर क्या है इसमें, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, ठीक है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस ही वही है, थ्रॉटलिंग इज अ प्रोसेस। थ्रॉटलिंग क्या है भाई, कई रिवर्सिबल प्रोसेस है, कई इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं, शायद वहाँ पर लिखा ना भूल गया, हाईली इरिवर्सिबल। क्या है ये, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। थ्रॉटलिंग इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जहाँ पर मैंने थ्रॉटलिंग लिखा है मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ है क्या थ्रॉटलिंग, ये लिख देता हूँ मैं, हाईली इरिवर्सिबल। ठीक है चलो भाई, कहाँ थे अभी अपन, आ जाते हैं यहाँ पर। थ्रॉटलिंग क्या था, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल तो करना ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि टेम्परेचर भी सेम रहता है। मैंने बोला था ना आपको कि भैया यहाँ पर जो है खेल है दिमाग का, कि इस बुद्धि को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। आइसोथर्मल कभी भी मत बोलना, थ्रॉटलिंग प्रोसेस आइसोथर्मल होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता सर, आपने बोला टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रहता है, हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन वो उसको आइसोथर्मल नहीं बोलते, उसको आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। लिखा है क्या, नहीं लिखा, आइसोथर्मल लिखा है गलत है, एडियाबेटिक लिखा है गलत है, ठीक है। रिवर्सिबल होता ही नहीं है, इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रॉटलिंग इज अ एंथैल्पी प्रोसेस, कौन सी एंथैल्पी प्रोसेस है, सब जानते हैं थ्रॉटलिंग इज अ कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, क्योंकि थ्रॉटलिंग के अंदर क्या होता है, एच वन इज इक्वल टू एच टू होता है, ठीक है, क्लियर बात। यहां पर ये ध्यान रखना, थ्रॉटलिंग में प्रेशर ड्रॉप, दो चीज तीन चीज़ें लिखा देता हूँ मैं थ्रॉटलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो भाई थ्रॉटलिंग प्रोसेस आएगा ही नहीं, मतलब इनके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर में ड्रॉप होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये, तीसरी बात क्या है, हाईली इरिवर्सिबल होता है, बस ये तीन पॉइंट इसके ध्यान रख लो। बस इतना ध्यान रहेगा तो थ्रॉटलिंग का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई दुख दुविधा तो नहीं है, समझ में आ गया भाई यमराज जी। चलो भाई यमराज जी, अब आज का तो हमारा मुद्दा हो गया ख़त्म, है ना। यहाँ तक ये हमें पढ़ना था, पढ़ाना था, अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कौन सा सेकेंड लॉ, उसमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, क्लोसियस स्टेटमेंट है, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा भी है, सेकेंड लॉ थोड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा भी है, ठीक है ना। तो द्वितीय नियम पढ़ेंगे अपन, एक बार रिकॉल कराऊं कि अपन ने क्या पढ़ा। देखो अपन ने क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए, क्वेश्चन को रिकॉल नहीं करना, जो आज मैंने एक पॉइंट पढ़ाया आपको,
थ्रॉटलिंग, मैंने थ्रॉटलिंग में ये बोला कि प्रेशर ड्रॉप होता है, हाईली रिवर्सिबल होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होने की वजह से टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमें आंसर करते वक्त बहुत चतुराई से आंसर करना पड़ेगा, अगर आइसो एंथैल्पिक हाईली रिवर्सिबल कोई ऑप्शन में नहीं है तब जाकर इनको टिक करना है, नहीं तो इन तक पहुँचना ही नहीं है। ठीक है, फिर फ्री एक्सपेंशन की बात करी, मुक्त विस्तार में क्या होता है, फ्री का मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बल लगाने वाला नहीं, बल नहीं लगाओगे तो वर्क कहाँ से होएगा, वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, फिर फ्री एक्सपेंशन वर्क डन जीरो, बस इतनी सी बात अपन ने करी थी, बहुत ही अच्छे से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने तो पूरी कोशिश करी है समझाने की, बाकी आप भी पूरी कोशिश करें तो ज़रूर सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, बाय बाय।